सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में करेंगे एक बहुत जो बिजनेस कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट मेरे लिए कॉन्सेप्ट हो सकता है, आपके लिए दो नंबर है कम से कम। दो नंबर मतलब अगर एक क्वेश्चन आता है तो दो नंबर का होगा, और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो ज़्यादा नंबर का हो सकता है। ये इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनने स्टार्ट हुए 1999 से लेकर, और लास्ट देखे तो 2017 का सीजीएल मेंस में भी इसे कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो आज डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट है कि भाई जब आपके पास कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाए और समझ में ना आए, जब लगे कि आपको कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है, सवाल एलजेब्रा का हो सकता है, वो नंबर सिस्टम कह सकते हो आप, कुछ भी कहो, मैं तो समझूंगा दो नंबर का क्वेश्चन है तो दो नंबर की तरह हो जाए। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि एक ये नंबर है, हमने कहा ये रोजी, इसे सॉल्व करना है। अगर इसे सॉल्व करने की बात आ जाएगी तो लगेगा कि यार क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकता है, बशर्ते कि अगर ये छोटी वैल्यू होती तो, या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे इन्हीं वैल्यू के साथ, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, कम से कम कंपटीशन के लिहाज से तो इस क्वेश्चन को करना उस टाइम दौरान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो आपका एसएससी मेंस हो, प्री हो, सीएचएसएल हो, कोई भी पेपर का हो, क्वेश्चन जब बनते हैं तो फिर वहाँ पर उस क्वेश्चन के पीछे पर्टिकुलर टाइम होता है, इस टाइम के दौरान आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम करें तो बड़ा हो सकता है कि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा था भाई, इसको हमने यहाँ से मल्टीप्लाई करना था और बाद में सॉल्यूशन करके निकालते थे, लेकिन मजे वाली बात थी कि ऑप्शन में कहीं भी पॉइंट का आंसर नहीं था, ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रखे थे, पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऐसे होगा, स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, लेकिन वैल्यू चेंज होगी, तो वैल्यू से हमें क्वेश्चन रटना तो है नहीं, तो करते हैं किस तरह से करें। अब मैं कहता हूं कि भाई इनको कैलकुलेशन करके सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन किस तरह से करें, और वो भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिहाज से, कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए कम टाइम में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब मैं ये कॉन्सेप्ट भी यही था कि आपके पास जब बड़ी वैल्यू हो और उन्हें सॉल्व करना आपकी मजबूरी बन जाए तो किस तरह से हम उस क्वेश्चन को डील करेंगे, तो देखते हैं। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई अगर इन वैल्यू को करने में दिक्कत क्या थी, तो आप कहोगे सर ये वैल्यूज बड़ी हैं, अगर छोटी होती तो क्लास सेकंड का या फर्स्ट का ही क्वेश्चन था। तो मैंने कहा चलो छोटी सी अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू हमने लगा दी, इसे सॉल्व कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैंने कहा और देख लेते हैं भाई, एक हमने लिया, चलो इसे ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ये लो। आप कहेंगे इसे भी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि छोटी वैल्यू है, कैलकुलेशन में तो एक्सपर्ट हैं हम। आइए थोड़ा सा काम और करते हैं, एक वैल्यू और, आप चाहे कोई भी वैल्यू रख कर काम कर सकते हैं घर पे जाकर। ठीक है जी, आप अपने घर पे बैठकर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, बस स्ट्रक्चर आप इस जैसा रखेंगे, स्ट्रक्चर जब रखेंगे तो मैं कहूँगा कि अब मेरी मदद कीजिएगा। और जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भैया, एलसीएम लेने के लिए चार एक यहाँ पर करेंगे, तो चार दिया बारह, बारह में से ये माइनस सेवन बाई फोर, इसे सॉल्व करेंगे तो ग्यारह बाई फोर, आगे सॉल्व करेंगे तो चार दूनी आठ, और क्या बचेगा तीन बाई फोर। ठीक है जी, यही आएगा। चलो इस तरह से इसे क्वेश्चन करेंगे तो चार दिया बारह माइनस दो बाई थ्री, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन बाई थ्री, और जब सॉल्व करेंगे तो ये तीन तिया नौ एक बटे तीन, ये आंसर बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसे क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सात पंजे पैंतीस थर्टी फाइव, माइनस है तो माइनस थ्री सेवन, आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बत्तीस बटे सात, थोड़ा सा और करें तो सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस और चार होते हैं बत्तीस तो सात। क्या यही आपका आंसर आ रहा है? बिल्कुल यही आ रहा है। अब ये बात हो जाएगी कि सर क्वेश्चन तो आपने ये पूछा था, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हमने अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर, कोई भी वैल्यूज ली और आंसर लगा। तो एक पैटर्न को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पैटर्न को डिकोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एग्जाम है ना भाई, आपका जो भी एग्जाम है, वो एग्जाम पहले तो मैथ्स का है नहीं, उसमें मैथ्स का जो नाम है ना वो मैथ है ही नहीं। आप जब उसके सिलेबस में जाओगे, ऑफिशियल साइट पर जाओगे, किसी का भी वन डे एग्जाम जो भी दे रहे हो आप, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो कॉन्स्टेबल हो, चाहे हेड कॉन्स्टेबल हो, चाहे वो आप सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जब देखोगे तो जो मैथ्स का पोर्शन है वो गायब होता है, वहाँ लिखा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और जब एप्टीट्यूड आ गया तो वहाँ पर आपको ब्रेन यूज़ करना है, ना कि पेन यूज़ करना है। ठीक है,
एक पर्टिकुलर टाइम होता है और उसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को डिकोड करना सीख गए तो हम मैथ्स के उस फंडामेंटल से दूर भग जाएंगे जो ऑलरेडी जिस पर काम कर रहे होते हैं और बहुत टाइम लग रहा होता है। ठीक, तो अगर हम देखें तो अगर ये यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया, अभी इस क्वेश्चन पर भी आते हैं, पहले हमने छोटा समझा। अगर मैं आपसे, अगर आप इजाजत दो तो मैं एक काम कर दूं भाई, ये जो बीच की जो दलाली है, मतलब कि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका और आंसर यहां पर आया, क्वेश्चन ये था आंसर यहां पर आया, क्वेश्चन ये था आंसर यहां पर आया, तो जो बीच के स्टेप्स हैं, क्योंकि हम 10वीं या 11वीं या 8वीं 9वीं 6वीं एकेडमिक क्लासेस के पेपर नहीं दे रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप इजाजत दे तो मैं इन बिचौलियों को खत्म कर दूं, भाई बिचौलियों को खत्म कर दूं, क्योंकि इनके नंबर नहीं मिलते मुझे। ठीक है जी, क्योंकि पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है ना कि सब्जेक्टिव है, तो मैंने ये यहां पर खत्म कर दिए। अब मैंने सीधा क्या करा, कंपनी को सीधे कंज्यूमर से मिलाने की कोशिश की गई, और जब कंपनी मतलब कि जो क्वेश्चन था उसको आंसर से मिलाने के, देखते हैं मिलाते समय क्या होगा, एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मैं चेक कर पाऊंगा कि अरे यार यहां पर 3 था, यहां पर 2 हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर 1 कम हो रहा है। चलो मैंने नोट डाउन कर लिया कि यहां पर 1 कम हो रहा है, ये नंबर जो है इस वाले से 1 कम है। ठीक है जी, आगे चेक किया कि यहां पर 4 था, यहां पर भी 4 है। ठीक है जी, और बढ़िया, आगे और चलते हैं। जब मैंने आगे थोड़े से गौर किया, कहीं ऐसा तो नहीं 3 कहां से आया, कहीं ऐसा तो नहीं 4 में से 1 को माइनस कर दिया जाए तो क्या 3 आ जाएगा। चलो हो सकता है ऐसा कुछ हो, हमने थोड़ा सा मार्क किया और थोड़ा सा आगे बढ़े। जब इस क्वेश्चन की तरफ आए तो हमने देखा फिर से कि 4 3 यहां पर भी 1 ही कम हुआ है। अगर 1 कम हुआ है, थोड़ा सा आगे देखता हूं, 3 यहां पर था तो 3 यहां पर भी है। अब बात रह गई 1 की, तो मैंने फिर से देखा 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो यही चीज जो यहां पर फॉलो हुई थी वो यहां पर हुई है। अब दिल की तसल्ली है, दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा सा काम और कर लेता हूं और एक क्वेश्चन और देखता हूं जो लास्ट में हमने लिखा था, उसे देखते हैं कि 5 है तो क्या 4 है। बिल्कुल है, 1 कम था, यहां पर भी 1 कम, यहां पर भी 1 कम, यहां पर भी 1 कम, एक नेक्स्ट स्टेप और 7 है 7 है। वाह, दिल को थोड़ी सी खुशी सी महसूस हुई। एक और देखते हैं, थोड़ा सा कदम चलते हैं, तो मैंने देखा 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। अब तो मेरे बात समझ में आ गई, मेरे माथे में जो घंटी बजी थी बहुत देर से वो कम आ गया। ठीक है जी, एक घंटी सी बजी और मैं समझ गया कि कोडिंग का मामला है भाई, क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन का नहीं है, बस कोडिंग का मामला है। अब कोडिंग का मामला था क्या था कि अब मुझे कोई ऐसा सवाल दे दे, मान लेता हूं मैं सवाल दे दिया मुझे, ठीक है जी, तो मुझे अब आंसर निकालने के लिए इन्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहूंगा कि यहां से 1 कम हो जाएगा और ये नीचे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका जो डिफरेंस आएगा वो वैल्यू आ जाएगी यहां पर, तो ये मेरा कैलकुलेशन सॉल्व। आप करके देखना तो आपको भी ऐसा ही आएगा। अब बात आती है उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन में लिखा था, तो मेरा कहने का मतलब यह था कि आप बड़े नंबरों के शुरुआत करने से पहले अगर आपको छोटे नंबरों का ज्ञान है तो आप बड़े नंबरों से जो बने क्वेश्चन होंगे उन्हें बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्लास में हो रहा है, ये एक यहाँ पर क्लास मान रहे, पेपर नहीं चल रहा, तो आप ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो और ऐसी ऑब्जर्वेशन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं इन सबको मिटाकर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, जो ये आपके सामने क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले, जो बहुत भयानक लग रहा था कैलकुलेशन करने में और लग रहा था कि कॉम्पिटिशन के वन डे एग्जाम में तो आंसर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, अब वो क्वेश्चन बन गया है। अब मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर जो भी वैल्यू है, आंसर जो आएगा उससे 1 कम आएगा, बिल्कुल लिख सकता हूं जी। ठीक है जी, जो यहां पर आया है वो तो यहां रहेगा ही। फिर हमने देखा कि इनका डिफरेंस आता है ऊपर, तो डिफरेंस क्या है भाई, 38-40 है, 38-39 है, डिफरेंस 1, हमने देखा 1 और ये बन गया आंसर। ठीक है जी, तो हमने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखा और डिकोड करना सीखे उस क्वेश्चन को जिसमें वैल्यू बड़ी हो जाएंगी। चलो इसी माध्यम से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको लगे कि यार हो सकता है सर ने यहां पर जानबूझकर दे दिया, आप कोई भी क्वेश्चन इसी स्ट्रक्चर में बनाकर देखना और आंसर सॉल्व हो जाएगा। जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आपसे, आपको याद होगा 2011-12-13 तक बहुत ज्यादा पूछा और लास्ट में आपको मेंस में भी देखने को क्वेश्चन मिल गया। एक्स बराबर दे रखा था 998, ठीक है जी, वाई बराबर दे रखा था 999 और जेड बराबर दे रखा था 1000 और पूछ लिया था एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पूछ लिया था और ऑप्शन जो थे वो लगभग मैं कह सकता हूँ, चलो ऑप्शन छोड़ते हैं, जब ऑप्शन की जरूरत आएगी तो तब भी हम ऑप्शन का यूज करेंगे, फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अब
क्वेश्चन सॉल्व करना था 2011 में 12 में जब पहली बार ऐसे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए, जब 2011 में एडवांस मैथ आई तब वहां पर थोड़ा सा दिक्कत था इन क्वेश्चन ओवर करने के लिए, लेकिन आज आपके लिए आसान है। क्वेश्चन देखा होगा आपने, आंसर भी निकाल दिया होगा, ठीक है जी। लेकिन बात आंसर निकालने की नहीं है, बात है कि किस मेथड से आंसर निकाला। क्या वो एग्जाम हॉल में जब हम बैठे थे तो ये चीज समझ में आ रही थी हमारे कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगेगा, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसका पैटर्न को फॉलो करते हम आंसर निकाल पाएंगे? अगर नहीं तो अब वीडियो देखने का समय आ चुका है, ठीक है जी। अब हम करते हैं, मैंने कहा कि भाई देखो दो तरीके से, एक तरीका तो वो कि किसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले को आप डालिए इसमें क्वेश्चन में और आंसर आ जाएगा। अब बात यह आती है कि मुझे एग्जाम हॉल में वो फॉर्मूला याद नहीं आएगा, मैं फॉर्मूला याद कर नहीं सकता, और कर भी लेता हूं तो मुझे नहीं पता कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पर हम एक तो फॉर्मूला जो मुझे आता नहीं बिल्कुल भी, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये कहता है कि सर ये वाली वैल्यू हम एक्स की वैल्यू एक्स में रख दें, वाई की वैल्यू वाई की जगह रख दें और जेड की वैल्यू जेड की जगह रख दें, तब काम बन सकता है। लेकिन फिर से बात वही है कि अगर मैं रख दूं तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, कॉम्पिटिशन के लिहाज से भैया ये क्वेश्चन का छोड़ो पूरे पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और विद इन सेकंड्स में, जो आपका पर्टिकुलर टाइम दे रखा है। क्या करें, मैंने कहा था भाई वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, अगर वैल्यू छोटी होती तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। अब देखो भाई यहां पर कितना फर्क है भाई, इस मैं और इनमें क्या फर्क है, सब में एक एक नंबर का फर्क है, ये 998 है तो 999 हुआ, ये 1000, ठीक है जी, एक एक का फर्क है। मैंने कहा यहां पर भी एक का फर्क है, यहां पर भी एक का फर्क है, देखा जाए तो एक एक ऐड है। तो अब आपके हाथ में है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, कैसे? मैं कहता हूं भाई देखो मजा तब नहीं है कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा सॉल्यूशन निकालते रहे आपने सॉल्यूशन में निकाल दिया, मजा तब है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को कितना बिटअप बना दे और जो सॉल्यूशन है ना वो आपकी खुद की मर्जी का हो, आप जब खुद सॉल्व करो ना आपकी मर्जी का हो। अब मर्जी आपकी चलेगी भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो कैसे चलेगी कि यहां पर हमने देखा डिफरेंस वन था इस क्वेश्चन के इस नंबर से इस नंबर के बीच में, और यहां से देखा तो यहां से भी डिफरेंस वन था। तो अब आपको जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यू आप सोच सकते हो सोच लो, उनके बीच में डिफरेंस वन होना चाहिए, कोई भी वैल्यू मान सकते हो। एक्स की जगह मैं यहां तो वैल्यू नहीं रख रहा 998, तो मैं क्या रख सकता हूं भाई, मैंने रख लिया चलो एक रख के देखा, मैंने यहां नहीं रखा तो दो रख लिया, और यहां क्या रखूंगा तीन रख लिया। ये क्यों रखा, एक रखा तो मैंने दो ही क्यों लिया, तीन क्यों लिया, क्योंकि इनमें डिफरेंस वन का था। अब बोलोगे सर ऐसे आंसर आएगा, मैं कहा बिल्कुल आएगा अगर कोशिश तो करो। चलो भी, अब जो मैं x की वैल्यू 998 रखने से डर रहा था तो अब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया, मैंने कहा x की वैल्यू एक रख के देख लेते हैं भाई। जब एक रखा मैंने तो क्या आया भाई, x की वैल्यू एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर एक होगा, y की वैल्यू हमने दो रख के देखी तो इसका बन जाएगा चार, और इसकी जेड की वैल्यू तीन रखेंगे तो बन जाएगा नौ, माइनस यहां पर गुना करूंगा एक्स और वाई तो एक्स वाई की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दो, माइनस वाई जेड की मतलब कि वाई दो और तीन, तीन दूनी छः, माइनस जेड एक्स मतलब कि तीन एकम तीन। अब कैलकुलेशन करना आसान है तो मैं कहूंगा 9 और 4 13 और 14, इतना पार्ट बन गया 14 का, यहां देखते तो 6 3 9 और 2 11, जब सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब किसी भी फॉर्मूले से कर रहे हैं या कोई भी मेथड आपके टीचर ने कराया हो लेकिन आंसर 3 बनेगा, ठीक है। अब यहां पर मैं एक छोटा सा बोलूंगा भाई देखो सोचना ना, बस सोच ही तो है इस क्वेश्चन को लेकर, अगर सोचना किसी की खुद की बापती तो हो नहीं सकती भाई, सोचना और इसे कॉमन सेंस से यूज करना किसी की बापती नहीं हो सकती है। आपने कहा कि सर मैं एक दो और तीन रख रहा हूं वैल्यू, किसी बच्चे के ना समझ पाए, कोई कहे कि सर आप ऐसा क्यों ना करें कि इसकी जगह जीरो रख दें, मैंने कहा रख सकते हैं भाई, तो अगला वाला रखना पड़ेगा एक और अगला वाला पड़ेगा दो, ऐसा भी तो कर सकते थे। अगर ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि भाई जो एक्स के वाले जिससे नंबर भी जिस नंबर से भी एक्स गुना हो रहा होगा वो सब जीरो वाला बन जाएगा, एक्स तो खुद जीरो हो ही जाएगा तो एक्स जिस जिस नंबर से गुना हो रहा होगा वो भी जीरो बन जाएगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। देखो करते हैं भाई, हमने कहा जीरो तो एक्स वाला नंबर है ये जीरो बन जाएगा, यहां पर जैसे एक्स किसी नंबर से जीरो होगा तो गुना होगा तो ये भी जीरो, ठीक है जी। यहां पर एक्स था ये भी जीरो, एक्स यहां था यहां भी जीरो। अब सवाल घूम फिर कर कहां पर आ गया, ये छोटी सी वैल्यूज हो गई। अब मैं रखूंगा भाई, मैंने एक्स की जगह जीरो रखा है तो वाई की जगह क्या रखूंगा एक का स्क्वायर एक होगा, और मैंने रखा जेड की जगह दो तो दो का स्क्वायर बन जाएगा चार, माइनस है तो माइनस, और वाई जेड की मल्टीप्लाई क्या हो गया वाई जेड की मल्टीप्लाई दो। अब देख सकते हैं पांच माइनस दो गया तो तब भी आंसर तीन ही बन रहा है, कुछ बात समझ भाई। अब भाई आपके पाले में है गेंद, अब देख लो भाई कैसे करना है, या तो अपने पाले में गोल कर दो या दूसरे वाले के
गोल कर दो, ठीक है। यहां पर बड़ा आसान हो गया कि भाई वैल्यू, अब आप खुद सोचोगे क्वेश्चन तो बन गया लेकिन वैल्यू आप रख रहे हो और आप रखने के बाद आंसर बन रहा है, आपकी मर्जी है। आप जहां तो 99 रखना पड़ेगा रख लो, यहां पर तो 100 रखना पड़ेगा, 101 रखना पड़ेगा, जिससे आप गुना कर सकते, आसान है उससे आप कर सकते हो, ठीक है जी। चलो ऐसा ही हम देखते हैं आज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए और वो क्वेश्चनों को डील करने की कोशिश की जा रही है। चलो भाई इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो भी आपके किसी पेपर से लिया गया है। वैल्यू भले एक जैसी ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट वैसे ही था। मैं कहता हूं भाई 33 67 प्लस एक्स, और इससे सॉल्व करने के बाद जो नंबर आना चाहिए वो होना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। मतलब कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो एक्स की जगह एक मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या मिनिमम वैल्यू रखी जाए एक्स की जगह, जिससे कि जब सॉल्यूशन किया जाए तो उसके बाद एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। यहां पर बात, अब इसके जो ऑप्शन होते थे वो ऑप्शन जो एग्जाम में ऐसे कुछ थे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है जी। किस तरह से करेंगे, एक्स की मिनिमम वैल्यू रखनी है जिसके इस इक्वेशन को सॉल्व करा जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम परफेक्ट स्कोर ले पाए, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि जिन बच्चों ने, अगर देखो एक्स की मिनिमम वैल्यू रखनी है, अब जिन बच्चों ने देखा कि यार ऑप्शन में भी तो एक है, क्वेश्चन करते हैं जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे सर 5 की गुना अगर 5 से किया जाए क्या ये 5 का स्क्वायर बनेगा, मैं कहूंगा बिल्कुल बनेगा। आप बोलोगे 6 की 6 से गुना किया जाए तो क्या ये 6 का स्क्वायर बनेगा, मैं कहूंगा बिल्कुल बनेगा। इसी तरह से अगर इतना समझ में आ गया तो दिमाग में एक घंटी बजेगी, अरे यार एक ऑप्शन एक भी तो है सी, अगर हम एक्स की जगह एक रख देंगे तो एक रखने के बाद होगा क्या भाई, यहां पर ये हो जाएगा 33 68, इधर भी गुना करने के बाद इधर भी 33 68, तो जब 5 के गुना 5 से करने के बाद 25 आता है, 6 के गुना 6 से करने के बाद 6 का स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब 33 68 की गुना 33 68 से गुना किया जाए तब 33 68 का भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इस हिसाब से सी ऑप्शन टिक भी कर दोगे। लेकिन यह चीज अगर सही होती तो इसके पीछे एक कारण होना चाहिए था, बोर्ड मार्क्स। जब बोर्ड मार्क्स हमारे सामने आया तो समझ में आ गया कि भाई ये क्वेश्चन यहां इसका आंसर एक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बोर्ड मार्क्स कुछ ऐसा बताता है कि भैया इसको हम ब्रैकेट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस एंड सब्स्टिट्यूशन, सीक्वेंस में ही सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कुछ भी पहले सॉल्व कर देंगे, तो यहां पर सब कुछ नहीं है लेकिन पर मल्टीप्लाई और एडिशन तो है, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद जमा करना पड़ेगा, हमने यहां पर जमा करने पहले कर दिया उसके बाद मल्टीप्लाई करा तो गड़बड़ हो गया और इस तरह से आंसर तो गलत हो गया। अब दिक्कत और बढ़ गई भाई, दिक्कत कैसे बढ़ गई मैं सबको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, दिक्कत यह बढ़ गई कि भाई अब इसको गुना करना पड़ेगा 33 68 को गुना करना पड़ेगा 33 68 से, उसके बाद जो रिजल्ट नंबर आएगा उसमें एक्स की मिनिमम वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके जो वैल्यू आएगी वो होना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे होगा, क्योंकि इन चार नंबर की चार नंबर से गुणा करें तो एक नंबर हो जाएगा बहुत बड़ा, उसमें फिर देखना पड़ेगा एक्स की वैल्यू क्या ऐड कर दी जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पर ऐसा करना बहुत पॉसिबल, ऐसा करना ना पॉसिबल तो है नहीं, कम टाइम में लेना। अब इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन अभी आपने जो चीज सीखी कि भाई जब बड़ा नंबर हो तो अपनी मर्जी से छोटे वैल्यू रखकर आप सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन एग्जामिनर का जरूर था लेकिन सॉल्यूशन हमारी मर्जी का होना चाहिए। मैं कहूंगा आपसे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, बोलोगे एक, ठीक है जी। अब दुनिया की जितनी भी संख्या है जिनके बीच का डिफरेंस 1 है वो आप ले लो और यही काम करने लग जाओ, बस शर्त है कि जो कंस्ट्रक्शन यहां पर है, जो स्ट्रक्चर यहां पर है वो स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ेगा। मैंने कहा क्या होगा, मैंने कहा जी एक ले लो और अगला नंबर 2, क्योंकि बीच में एक का डिफरेंस है, प्लस एक्स की वैल्यू और एक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा भाई, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जिसका रूट बाहर निकल जाए, ठीक है। दूसरा कहेंगे सर मैं 2 और 3 लेना चाहता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, ये चीज यहां पर फिर एक्स लेंगे तो ये एक नंबर, ठीक है, मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं ये परफेक्ट नंबर होना चाहिए।
अच्छा परफेक्ट स्क्वायर, एक और लेना चाहे सर, चार और पांच को लिया जाए तो बिल्कुल ले सकते हैं, यहां पर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो एक जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो अब देखते हैं भाई करना क्या है। अगर मैं कहूंगा कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो दो एकम दो, यहां पर हो गया दो, अब दो में ऐसा एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या ऐड कर दी जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो दो से बड़ा होता क्या है परफेक्ट स्क्वायर, फोर। इसका मतलब इस दो में कुछ भी जोड़ने के बाद जो चार बन जाएगा तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो दो में क्या जोड़ दें चार बनाने के लिए, दो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, दो हो गई। अब यहां पर देखते हैं तीन दूनी छह, अब छह से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है नौ, तो हम कह सकते हैं एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए। ठीक है जी, एक्स की जगह हम रख देंगे तीन क्योंकि नौ करने के लिए ये करना पड़ेगा। फिर हम लगा चार पंजे बीस, बीस से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है पच्चीस, तो इस पच्चीस बनाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी यहां तक तो बीस हो गया तो क्या रखना पड़ेगा एक्स की जगह, पांच रखना पड़ेगा। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन को आसान कर देगा। आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो कुछ और पूछाता, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप छोटी वैल्यू रखकर आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं कहूंगा बिल्कुल एक्स की जगह यहां पर कर देते हैं सीधा दो, ठीक है जी ऐसे। तो मैं कहूंगा अगर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं क्या, आप कहोगे सर ये दो जो नंबर लिए थे कहीं ऐसा तो नहीं जोड़ने वाला नंबर इनमें से बड़ा नंबर है, ये दो जो नंबर लिए थे इनमें जोड़ने वाला नंबर जो था एक्स की जगह रखा तो वो बड़ा नंबर तो नहीं, बिल्कुल ठीक। हमने कहा इन दोनों में से बड़ा नंबर तो नहीं है जोड़े जाने वाला नंबर, बिल्कुल ठीक। अब कह सकते हैं कि सर ऐसी कभी इक्वेशन बन जाए क्योंकि एग्जाम में आपके पूछी गई है कि कोई दो नंबर जिनके डिफरेंस वन हो उनको गुना करने के बाद कुछ जोड़ा जाए और जिसे जोड़ने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो लीस्ट नंबर होगा उन दोनों में से बड़ी संख्या। अब मुझसे कह सकते हो आप कि अगर मुझे कोई ऐसे नंबर दे दिए जाए तो मैं आराम से आंसर निकाल सकता हूं। मुझसे कहा कि 10 की गुना 11 से कर दिया जाए तो क्या ऐसा जोड़ दिया जाए जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो मैं कहूंगा सॉरी यहां पर 11, तो मैं कहूंगा कुछ नहीं इन इसमें से जो बड़ा नंबर है वो जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 11। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, देखते हैं 10 और 11 की गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, प्लस इसमें 11 में जोड़ता हूं तो 121 बन जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बात आ गई समझ में, अगर आ गई समझ में तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखोगे कि इन दोनों की गुणा करने के बाद अगर एक्स की वैल्यू मिनिमम रखी जाए तो कौन सी होगी, इन दोनों में से बड़ी वाली रकम, और बड़ी रकम क्या है 3368। अब ये 3368 यहां पर हमारा सही आंसर बन जाएगा। बात आ रही है समझ में, चलो अब देखो भाई अगले पेपर में अगर आपको इसी क्वेश्चन यही क्वेश्चन दे दे और कुछ घुमा दे तो क्या करोगे। मैं कहता हूं एक्स प्लस करवा रहा था, अब के माइनस करने के लिए बोल दे, क्या एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस की जाए कि रिजल्टिंग नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है जी, तो अब क्या करोगे क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठे हो, अब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, अब आप कोई भी ऐसे दो नंबर ले सकते हो जिनका बीच का डिफरेंस वन है। ठीक है जी, आप लेना चाहो सर दो और तीन लेते हैं, मैंने कहा बिल्कुल लीजिए दो और तीन ले लिया, अब उसमें से कुछ माइनस करना है और माइनस करने के बाद एक नंबर आएगा वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखेंगे यहां पर बनता है तीन दूनी छह, छह में से क्या माइनस किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो छह से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए क्या होगा फोर, अगर फोर है तो छह में से क्या माइनस किया जाए फोर बन जाए। हम देखते हैं कि दो माइनस करना पड़ेगा और ये दो क्या था, ये दिए गए दोनों नंबरों से छोटा ही नंबर तो था। अगर यहां बात पता चल गई तो अब सवाल में कह सकते हो कि इस सवाल बड़े सवाल में क्या आंसर बन जाएगा, छोटा नंबर इसका आंसर बन जाएगा, तो उस केस में क्या बन जाता आंसर 3367। ठीक है, बता रही समझ में, तो समझ में आया कि कोई भी चीज आपको बस थोड़ा सा रिलेशन देखना है और उसके बाद आपको बड़े नंबरों की जो कैलकुलेशन आपके लिए टफ थी वो छोटी हो सकती है अगर आप छोटे नंबरों को यूज करेंगे तो। ठीक है, और देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही जो आपके बार बार पेपर में पूछे गए। क्वेश्चन शकल देखकर तो अलग लग सकता है लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, 2017 मेंस में आया, सीजीएल मेंस में आया, मैं कह सकता हूं 2017 का सीजीएल मेंस। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन था, यह दे रखा था भाई एन की वैल्यू दे रखी थी, एन की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस में 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 एंड 6। अगर ये दे रखा था तो एन की रूट वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है जी, ये निकाला था। अब इसको करने के लिए पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है, इसकी बड़ी वैल्यू कैसे किस तरह से आप स्क्वायर निकालेंगे, फिर यहां पर करेंगे, फिर यहां करेंगे, वो बच्चे करेंगे जिन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है।
वो करेंगे और कुछ ना कुछ फिर यूनिट डिविजन निकालेंगे, लेकिन आप चीज देखोगे तो समझ में आएगा ये चीज उसी कॉन्सेप्ट पर है कि बड़े नंबर है भाई, बड़े नंबर मेरे बस की नहीं है निकालना, मेरे बस की नहीं है कैलकुलेशन करना, कम से कम उस टाइम पीरियड में तो जो मुझे एग्जामिनर देता है। अब क्या करें फिर, सॉल्यूशन तो करना है क्योंकि 2017 के मेंस में आया है, तो अब क्या करें भाई देखो समझो, मैंने कहा कि मुझे बड़े वैल्यू नहीं है पर, लेकिन दोनों को एनालाइज करूं तो मैं कहूंगा जो ये नंबर यहां था क्या वो नंबर यहां पर है, मैं कहूंगा बिल्कुल सर यही है। अब आप कहोगे कि सर इससे ही अगला वाला नंबर एक ज्यादा है, ये 12345 था, ये 12346 हो गया है, ये दोनों नंबर सेम था और ये इससे एक नंबर ज्यादा है। अब दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो रख सकते हो, मतलब कहने का मतलब यहां जो रखोगे वो यहां रखना पड़ेगा और उससे अगला वाला एक ज्यादा रखना पड़ेगा, ये काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा चलो एक रख के देखते हैं, पहले तो एक रखा तो एक का स्क्वायर, क्योंकि ये जैसा नंबर था ऐसा ही नंबर यहां है तो मैं यहां पर भी एक रखूंगा, ठीक है जी। अगला नंबर एक ज्यादा था तो मैंने एक ज्यादा रख दिया, और अब इसे सॉल्यूशन करें तो क्या बनेगा, एक का स्क्वायर एक होता है प्लस वन प्लस वन प्लस टू, तो ये हो जाएगा फोर, ठीक है जी। क्योंकि n की वैल्यू 4 निकल गई तो हमें रूट निकालना था n का, तो रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, पर देखते हैं 2 तो इसमें से आंसर है ही नहीं, कोई ऑप्शन जो थे वो ऑप्शन में 2 नहीं था, मैं पर भी बातों को समझो 2 ऑप्शन नहीं था, फिर क्या करेंगे। चलो ऐसा करते हैं कोई और वैल्यू रख के देखते हैं, मैंने कहा इस बार चलो 2 रख के देखते हैं, जब हम 2 रखेंगे इसकी जगह तो यहां पर रखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर प्लस यहां भी रखना पड़ेगा 2 क्योंकि ये दोनों नंबर बराबर थे, तो यहां रखना पड़ेगा 3, उसके बाद खोलेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा यहां पर, और 4 + 2 + 3 क्या हो जाएगा 9, ये n की वैल्यू 9 है तो रूट निकालना है तो रूट के क्या हो जाएगा 3। अब थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा दर्द हुआ यार, वैल्यू रख रहा हूं सवाल चेंज हो रहा है, वैल्यू रख रहा हूं सवाल आंसर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है जी। पर आंसर ना तो 3 था ना 2 था उस ऑप्शन में, फिर क्या करें। पर मैं कहूंगा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है, ऐसा तो नहीं है जो हमने वैल्यू रखी है उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो रहा है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। हमने देखा भाई वैल्यू रखी है हमने और आंसर हमारा 2 आ रहा है, क्या इन वैल्यू में कोई वैल्यू दे रखी थी वो वाली, थोड़ा समझ में आया कि यार 2 दे रखा था और 2 क्या था, इनमें से दिया गया नंबर, इन जो नंबर दिए थे उनमें सबसे बड़ा जो नंबर था वही तो आंसर आ रहा है। क्या ये चेक मैंने यहां देखा, तो यहां पर देखा मैंने कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा रखा था, ये नंबर रखे थे 2, 2, 4 ये रखे थे तो बड़ा नंबर कौन सा 3 था, 3 ही आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। अगर बात आ गई यहां पर समझ में तो अब इस सवाल के लिए डिकोडिंग हो चुकी है, अब आप आंसर लगाना कितना देर का काम है, क्योंकि जो भी वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास ना तो सवाल ये पूछा था ना सवाल ये पूछा था, एक्चुअली में सवाल कौन सा पूछा था ये वाला, जब ये पूछा तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा कि आपका जो आंसर निकल रहा है दिए गए नंबरों में बड़ी वाली संख्या ही आंसर है, तो कह सकता हूं यहां पर बड़ी वाली संख्या कौन सी है ये वाली, तो इस सवाल का आंसर बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 6। अब देखोगे आप 2017 का पेपर तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हर बार हर साल कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है और इसमें से ये कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और देख लेते हैं भाई क्वेश्चन इसी तरह से, ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई। चलो एक बार ये 2014 के CHSL पेपर में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं भाई, 4x³ - x, फिर देख रखा था 2x + 1, 6x - 3, ठीक है जी, और वैल्यू दे रखी थी x = 4×9 दे रखी थी, ठीक। अब हमसे पूछा है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब ये जो दे रखा है यहाँ टर्म, तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, अगर x की जगह अगर दे रखा है x बराबर दे रखा है 9999, ऑप्शन लेना चाहो तो ऑप्शन भी थे हमारे पास, ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन थे 111, ऑप्शन बी था 6666, ऑप्शन सी था 3333, ऑप्शन डी था 2222, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन थे। अब क्या करें भाई, देखो एक तरीका तो वो है कि भाई फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, पर दिक्कत ये है कि जब आप पेपर में बैठ रहे होते हो तो आपको फॉर्मूले याद कितने भी कर लो समझ में नहीं आ रहा कौन से फॉर्मूला लगाए, और ना इतना टाइम होता कि इसके फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला डायरेक्ट तो देखा दिखाई नहीं देगा कि ये वाला क्वेश्चन है इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, भाई निकाल दो आंसर, क्योंकि फॉर्मूले तक ले जाने का काम भी तो कौन करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और एडजस्टमेंट तो आज तक समझ में नहीं आई भाई। पहली बात तो मैं फॉर्मूला तो करूंगा नहीं भाई, ठीक, ना जरूरत होती है एक्सएससी को किसी फॉर्मूले की। दूसरा काम हो सकता है सर ये जो है ना 4×9 है ये एक्स की जगह रख देंगे हम, तो एक्स की जगह रख दो भाई बहुत आसान हो जाएगा, रख दो 4 x की पावर क्यूब है मतलब x की पावर 3 है
तो 4×9 की पावर क्यों रख देंगे, और रखने के बाद ऐसे इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। भाई इस तरह से आंसर तो आ जाएगा लेकिन वो पेपर की घंटी बज चुकी होगी जब तक आंसर आएगा, तो ये भी तरीका नहीं होगा, फिर क्या करें। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप काम कर सकते हो अगर बड़ी वैल्यू दे रखी है तो उसकी जगह छोटी वैल्यू से प्लेस करके। मुझे ये वाली वैल्यू रखने से बहुत बड़ा कैलकुलेशन बन जाएगी, मैं कहता हूँ चलो छोटी वैल्यू रख लेते हैं। अब एक से छोटी क्या वैल्यू होगी, रख सकते हैं भाई, रख लिया भाई, एक रख लिया हमने। एक रखने के बाद क्या आंसर मैच करेगा, अगर एक रखने से भी आंसर मैच करता तो फिर 9999 क्यों रख रहे थे। पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें तो शायद कहीं तक पहुंच जाए, ऑब्जर्वेशन का टाइम है, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, देख लेते हैं, मैं अगर एक रख के देखते हैं, अब एक रखेंगे हम एक्स की जगह तो देखते हैं कैलकुलेशन कुछ थोड़ा फास्ट करते हैं। एक रखेंगे तो एक्स की क्यूब हो जाएगी यहां पर ए वन, और वन की क्यूब होगी वन तो ये हो जाएगा फोर, इधर माइनस, तो एक्स की वैल्यू रख रहे हैं वन, यहां एक्स की जगह एक रखा तो दो और एक तीन हो गया मल्टीप्लाई, यहां छह में से तीन गया तो तीन, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू में थ्री इंटू में थ्री, तो तीन से तीन कट जाएगा तो वन बाय थ्री। इस तरह का ऑप्शन तो आंसर में नहीं है, पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन को रहने देते हैं। यहां पे मैं कहता हूं चलो भाई हमने यहां वैल्यू रखी एक्स की वैल्यू जब वन रखी तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, वन बाय थ्री, ठीक है। कुछ और रख के देखते हैं, इस बार मैं कहता हूं चलो भाई यहां पर हमने यहां एक्स के बराबर रखा था वन, अब क्या रख के देखते हैं, एक्स के बराबर दो, अब क्या हो सकता है। जब मैंने एक्स की जगह दो रख के देखा तब आंसर क्या आएगा, तो एक्स की जगह दो रख रहे हैं तो दो दो की क्यूब क्या हो जाएगी आठ, आठ चौक बत्तीस, यहां पर हो जाएगा ये बत्तीस, माइनस एक्स की जगह दो रख रहे हैं दो रख दिया भाई, ठीक है, यहां दो दूनी चार और एक पांच इंटू में दो छिक बारह में से तीन गए तो नौ, हम यहां करेंगे तो यहां हो जाएगा तीस बटे पैंतालीस, इसे सॉल्व करेंगे तो पंद्रह दूनी तीस और पंद्रह तिया पैंतालीस। मैं यहां लिख देता हूं रिजल्ट टू बाय थ्री। अब धीरे धीरे रिजल्ट लिखना और चीज ये, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है, कोई पेपर में कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, चीजें देखोगे तो ऑब्जर्वेशन करके आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब ना तो पेपर चल रहा है भाई, पेपर थोड़ी चल रहा है, घर पे बैठ के आराम से तकिए पे सिर लगाकर हम देख रहे हैं वीडियो और समझ जाएंगे, और इस तरह से क्वेश्चन देखना घर पे करके आप, तो हमने देखेंगे आप यहां से ऑब्जर्वेशन होना चालू हो जाता है कि जब हम वैल्यू रख रहे हैं एक तो आंसर बन रहा है वन बाय थ्री, वैल्यू रखी दो तो आंसर बन रहा है टू बाय थ्री, इसका मतलब वैल्यू रखूंगा तीन तो बन जाएगा थ्री बाय थ्री, वैल्यू रखूंगा चार तो आंसर बनेगा चार बाय थ्री। और मेरे पास ओरिजिनल आंसर किसका ढूंढना था मुझे, एक्स से जब 9999 रखूंगा तो मैं ऐसे धीरे धीरे रखूंगा तो 9999 रखूंगा तो आंसर क्या बनना चाहिए 9999 बाय 3, और जैसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा सी, बता रही सर। तो यहां पर यह चीज आ गई, तो कहने का मतलब आप चीजों को ऑब्जर्वेशन करोगे और उसके बाद आप आंसर निकालना चाहोगे तो बहुत निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, बहुत सारे एग्जाम में देखना ढूंढ क्वेश्चन मिलेंगे आपको बड़ी बड़ी वैल्यू रखने के बाद, तो आप कर सकते हो बहुत हद तक। तो यहां पर भी इसका आंसर ये बन रहा था, तो मैं नहीं कहता किसी फॉर्मूले की जरूरत है, जब तक जरूरत नहीं है जब तक तो नहीं कर सकते भाई फॉर्मूले से, क्यों करें यार, और भी तो समय है, और जो और समय है किसी और चीज में लगा देंगे, तो जहां तक बचा जाएगा बचेंगे, कोशिश तो पूरी रहेगी कहीं पर फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े। क्योंकि एसएससी एग्जामिनर जो है ना भाई, उसके बच्चे नहीं बैठे कि उसके बच्चों के कंपार्टमेंट आ गए हैं टेंथ में, कि आप जब टेंथ मैथ पढ़ के जाओगे ना तो उसके बच्चे पढ़ाने हैं कंपार्टमेंट के, कि आपको टेंथ का पेपर पास करवाना उनके। बस सिंपल सा लॉजिक है यार, पेपर में आता है इसलिए मैथ पढ़ रहे हैं, पेपर में हटा दे, कल को मोदी जी बोल दें एक बार अनाउंसमेंट हो जाए कि भैया भाई और बहनों पेपर में से मैंने ना एसएससी सीजीएल में से मैथ खत्म कर दिए, तो आओगे पढ़ोगे मैथ, अबे यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे लोगों के, ठीक है ना। तो मैथ की जरूरत नहीं है, पेपर है एप्टीट्यूड का, तो एप्टीट्यूड का मतलब है लॉजिकल, और जहां एप्टीट्यूड जुड़ जाएगा तो वहां हो जाएगा सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय यूजिंग योर ब्रेन एंड कॉमन सेंस। तो ब्रेन एंड कॉमन सेंस का यूज करो, कैलकुलेशन के पार्ट में मत घुस जाओ, ठीक है। तो भाई ये था सिंपल सा तरीका, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं भाई, अगली जो वीडियो आएगी उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लेंगे, आप देखो एंजॉय करो, जो भी लगता हो मुझे आपकी तरफ से राय होगी वो जरूर कमेंट्स बॉक्स में डालना यार, उसे कोशिश करेंगे सुधारने की, ठीक है जी। तो जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।